मित्रों, ओशो कहते थे, जैसे हमारे पास अविद्या होती है, माया होती है, बंधन होता है, ऐसे ही परमात्मा के साथ भी बंधन होता है, माया होता है। इस संसार में कुछ भी चीज़ होती है तो उसका अपोजिट भी होता है, ये नियम है। इसलिए परमात्मा भी होगा तो उसका अभाव भी होगा, उसका ना होना भी होगा। तो उपनिषदों में भी कहा कि ये माया परमात्मा की छाया है। परमात्मा है, उसको होने के कारण उसके अभाव भी है, उसके एंटी परमात्मा भी है, ये आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखे होंगे भगवान शिव जी बैठे हैं, ऐसी कहानी है, मूर्ति है, तो आसपास नंदी भृंगी जैसे राक्षसगण इत्यादि भी होते हैं। अगर राक्षसी प्रवृत्ति दैवी प्रवृत्ति से विरुद्ध है, दैवी प्रवृत्ति होती है तो राक्षसी प्रवृत्ति नहीं होती, तो शिव की ये कहानी नहीं होती। शिव राक्षसी प्रवृत्ति को भी स्वीकार कर लेते हैं, वो उनको भी अपने आसपास बैठने देते हैं, और यहाँ तक शिव कर देते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति वालों को वरदान भी दे देते हैं। तो शिव परमात्मा का प्रतीक है, और जहाँ परमात्मा होता है वहाँ उसका अभाव भी होता है। जैसे रात होता है तो दिन होता है, सुख होता है तो दुख होता है, तो परमात्मा होता है तो माया भी होता है। और ये संसार जो है ये माया का कारण पैदा हुआ है, परमात्मा के होने के कारण माया पैदा होना पड़ा, इसलिए संसार पैदा हो गया, इसलिए प्रकृति पैदा हो गई, इसलिए जीव पैदा हो गए। ये सब परमात्मा होने के कारण उसके अभाव में पैदा हो गया कृत्य है। ऐसे ही एक आदमी के भीतर भी परमात्मा है, तो एक आदमी के भीतर एंटी परमात्मा भी है। एंटी परमात्मा का अर्थ होगा जो हमारा अहंकार है। मनुष्य के भीतर परमात्मा भी होता है और मनुष्य के भीतर अहंकार भी होता है, उसका अपना मैं भी होता है, और मैं होने के कारण उसको बंधन होगा, पीड़ा होगा, अज्ञान होगा, अविद्या होगी, ये सब चीज़ मैं के कारण होंगे। मगर ये सब मैं की छाया है, असली परमात्मा की जो छाया है वो है मैं। हमारे भीतर परमात्मा है और उसको हम जानते नहीं, उसके कारण हमको हाथ लगता है ये माया है, या हमको परमात्मा जानना होगा, परमात्मा के जैसे जीना होगा, या हमको एंटी परमात्मा के साथ रहना होगा, या अहंकार के साथ रहना होगा, और अहंकार का सुख दुख हमको झेलना पड़ेगा। और हमारा संसार यही है, हमारा संसार का बंधन यही है। मगर इसमें दो बात है। पहली बात, अगर ऐसा है कि बंधन होता ही है, माया होता ही है, वो आवश्यकता है, तो क्या हम इससे हम छूट नहीं पाएंगे? क्या हमको बंधन में जीना पड़ेगा? जैसे हम जीते हैं, अभी हम अभी जिस स्थिति में हैं वहाँ हम बाध्य हैं माया में जीने के लिए, अहंकार में जीने के लिए, पीड़ा में जीने के लिए। और क्या ऐसी ही बाध्यता होती है? और परमात्मा कैसे जीता है, इसमें दूसरी बात। क्या परमात्मा भी हम जैसे जीते हैं इसी तरह जीता है? क्योंकि हम तो बंधन में जीते हैं, अज्ञान में जीते हैं, तो परमात्मा भी क्या बंधन में, अज्ञान में जीता है? अगर ऐसा जीता है तो फिर परमात्मा कैसा हुआ? परमात्मा का अर्थ ही तो ये होगा जो स्वयं प्रकाश से है, जो निश्चल है, आकाश जैसा अछूत है, जिसको कोई भी प्रभाव पड़ता नहीं। तो परमात्मा को माया का प्रभाव पड़ता नहीं, मगर परमात्मा होती है। जैसे शिव के आसपास जैसे नंदी भृंगी इत्यादि राक्षस गण होते हैं, उनके पास बैठ रहते हैं, मगर क्या शिव भी
राक्षसी प्रवृत्ति से प्रभावित हो जाते हैं। शिवा उनको स्वीकार कर लेते हैं मगर शिवा पे उसका असर नहीं पड़ता। राक्षसी प्रवृत्ति को अपने आगे बिठाकर शिव प्रभावित होने वाले नहीं, अगर प्रभावित हो जाते तो फिर वो शिव ही नहीं। तो परमात्मा यानी शिव एक प्रतीक है शिव, तो परमात्मा भी इसी तरह रहता है कि उसको सभी कुछ स्वीकार है, उसको अस्वीकार नहीं, उसको माया को अस्वीकार नहीं, वो राक्षस को उसको अस्वीकार नहीं, वो अस्वीकार उसका करते नहीं, इस कारण उसका प्रभाव परमात्मा पर पड़ता नहीं और परमात्मा को बंधन में नहीं जीना पड़ता। इस बात को अच्छे समझ ले, अगर ये बात हमने जान लिया जीने की तो हम अपने जीवन में इसी तरह जी के परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। हम जो भी माया हमको मिला और हमारे जीवन में जो मिला है, जो बंधन पीड़ा इत्यादि, ये छोटी छोटी माया है, परमात्मा के साथ पूरा माया है, हमारे साथ हमारी छोटी छोटी माया है, अविद्या है, अज्ञान है, तो हम इसमें जीते हैं या इससे हम प्रभावित होते हैं। हम जैसे शिव रहते हैं नंदी भृंगी के साथ, इसी तरह हम अपने अहंकार, अपने क्रोध, अपने बंधन के साथ रह नहीं सकते, हम इससे प्रभावित हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम इन चीज़ों के विरुद्ध खड़ा होते हैं, हम इनका इनकार करते हैं, हम इनका विरोध करते हैं, विरोध करने के कारण हम इससे उलझ जाते हैं। हमारा अहंकार विरोध करता है, हमारा अहंकार इन चीज़ों को विरोध करता है, इनकार करता है, मगर विरोध और इनकार करने से ये चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती है ना, विरोध और इनकार करने से ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि ये माया सत्य है, ये होती है, जो चीज़ होती है अपने आप उसको हम विरोध और संघर्ष करके उसको मिटा नहीं सकेंगे। जैसे आकाश में सूरज उगता है, आप जितना भी विरोध करो, सूरज का आंदोलन कर लो, कुछ भी कर लो, सूरज का उगना बंधन नहीं होगा है। तो इसमें हमारा प्रयास जो होगा वो व्यर्थ जाएगा और हम इसी प्रयास के कारण इसी में उलझते रहेंगे और हमको पीड़ा होता ही रहेगा। कोई आदमी सूरज को बंद करने के लिए रात दिन प्रयास करे तो सूरज तो कभी बंद नहीं होगा, मगर जो आदमी है वो बंधन में पड़ जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, जितना असफल होता जाएगा उतना उसके भीतर हीनता ग्रंथि पैदा होती जाएगी और बिल्कुल पागल हो जाएगा। ऐसे ही हम भी पागल हो जाते हैं, बहुत लोग पागल होते हैं इसी कारण कि ये सभी लोग सूरज को रोकने का, मिटाने का प्रयास करते हैं। हमारे भीतर जो माया है, अंधेरा है, अज्ञान है, क्रोध है, जो कुछ भी है, इनके साथ हम विरोध करते हैं। तो विरोध करने के कारण ये चीज़ें ख़त्म तो नहीं होगी मगर हम इससे परेशान हो जाएंगे और ये हमारी मूल समस्या है। और क्या हम फिर अज्ञान से, बंधन से, माया से मुक्त नहीं हो पाएंगे? क्या हमारी नियति ही होगी कि हमको इसमें जीना ही पड़ेगा? ये बात है, अगर ऐसा है तो फिर परमात्मा को भी जीना पड़ता है। अगर ऐसा है कि सत्य के साथ असत्य भी होता है तो असत्य का भी पीड़ा हमको झेलना ही पड़ता, तो परमात्मा को झेलना पड़ता, साधु संतों को, बुद्ध पुरुषों को भी झेलना पड़ता, मगर साधु बुद्ध पुरुष ये ऋषि मुनि जो लोग हैं ये इसके बंधन में पड़ते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं, वो अच्युत होकर, प्रसन्न होकर परमात्मा जैसे जी जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि हम इससे मुक्त तो हो सकते हैं, जैसे परमात्मा मुक्त है ना, हम सीधे परमात्मा से ही सीख सकते हैं है? परमात्मा कैसे बंधन से, माया से मुक्त होता है, उसकी तरबीत क्या है? क्या परमात्मा लड़ता है उसके साथ जैसे हम लड़ते हैं? क्या विरोध करता है परमात्मा, जो भी हो गया रो लेता है? तो कैसे परमात्मा मुक्त होता है? तो परमात्मा इस तरह मुक्त होता है
कि वो इन चीज़ों को छोड़ देता है, इनकी वो बात ही नहीं करता, वो इनको स्वीकार कर लेता है, उसको कोई मतलब नहीं है ना। ये छाया है तो छाया का क्या विरोध करना और संघर्ष क्यों करना, अपने में जीना है ना। छाया में जीना तो नहीं, मगर हम अपने में जीते नहीं, छाया में जीते हैं, और छाया में उलझने के कारण हमको छाया में जीना पड़ता, अपने में हम जीने के लिए रास्ता ही नहीं पाते। तो परमात्मा इन चीज़ों को स्वीकार कर लेता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे नंदी भृंगी राक्षस आ गए, चारों तरफ से राक्षस ने घेर लिया और शिव एकदम से घबरा गए और प्रभावित हो गए और उनसे लड़ने लगे, तो ऐसा वो नहीं करते, चुपचाप अपनी जगह स्थिर बैठते। और शिव जब इनसे इस तरह व्यवहार करते हैं, इनको स्वीकार करते हैं और इनसे प्रभावित नहीं होते, तो फिर नंदी भृंगी राक्षसगण जो भी है वो सभी शिव के पास झुक जाते हैं, वो शिव पर हावी होने जाते। देखे ना, शिव के भक्त होते हैं राक्षस भी, राक्षस भी कोई देवता का भक्त हो जाता है तो वो देवता अद्भुत हो जाता है, क्योंकि राक्षस तो राक्षस प्रवृत्ति के साथ ही झुकेगा, दैवी प्रवृत्ति के साथ वो नहीं झुकेगा, क्योंकि दैवी प्रवृत्ति के साथ झुकेगा तो राक्षस ही नहीं रहेगा। मगर शिव उनको बाध्य बना देते हैं, हम भी अपने भीतर के नंदी भृंगी जैसे राक्षसी प्रवृत्ति बंधन जो भी हमारा है तो उनको हम झुका सकते हैं शिव की तरह रहकर। और शिव की तरह रहने का अर्थ है कि आप उस उन चीज़ों के साथ लड़ना बंद करो, जो कुछ भी है उसको रहने दो, आप उसको कभी कुछ करके मिटा नहीं सकोगे, ये बात समझ लो ना। आप कभी भी अपने क्रोध को, अपने अंधकार को, अपनी पीड़ा को संघर्ष करके या कुछ करके उसको वहाँ से निकाल नहीं सकोगे, ये फैक्ट है। तो कैसे निकाल सकते हैं उस तरकीब को जान लेना है, वो परमात्मा से सीख लेना है। तो वो तरकीब ये है, उससे लड़ना बंद कर देना है और उसको स्वीकार कर देना है। परमात्मा तक भी इन चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं तो हम कौन हैं, इसलिए स्वीकार करना कोई गलत बात नहीं, परमात्मा भी स्वीकार कर लेता है तो हम भी स्वीकार कर लें। परमात्मा भी राक्षसों को स्वीकार कर रहा है, इस संसार में कितने उपद्रव हो रहे हैं, कितने पापी लोग हैं, कितने तरह के विसंगति है, ये सब चीज़ परमात्मा ने स्वीकार करके रखा है, उससे ऊपर प्रभावित नहीं होता स्वीकार करने के कारण। तो हम भी, हमारे भीतर जो कुछ भी हो रहा है, वो सब चीज़ को स्वीकार करते हैं, चलो है तो है, लड़ने की कोई बात नहीं, निकालने की कोई बात नहीं। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे ये माया खो जाएगी, है ना। परमात्मा के आगे माया खो जाती है, इस कारण परमात्मा तक पहुंच नहीं पाती, आगे पीछे होगी मगर परमात्मा को छू नहीं सकती। शिव के आगे पीछे नंगी वृंदी हो सकते हैं मगर सेंटर में शिव के भीतर वो जा नहीं सकती। तो शिव इस तरह स्वीकार कर लेते, तो स्वीकार ही जादू है, ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी का रास्ता है, स्वीकार कर लेना हम कौन है, हमारा छोटा छोटा बंधन है। परमात्मा भी सभी चीज़ को स्वीकार करता है, स्वीकार करके रखा है, परमात्मा को कुछ भी मतलब नहीं, जो कुछ भी हो जाए। तो हम भी क्या ऐसा हो नहीं सकते, जो कुछ भी है उसके साथ लड़े नहीं, उसको स्वीकार करते, चलो ठीक है, अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेना और ज्ञानी बनने का प्रयास नहीं करना, अपने क्रोध को स्वीकार कर लेना है और अक्रोधी होने का प्रयास नहीं करना, अपना बंधन को स्वीकार करना है और ध्यानी बनने का प्रयास नहीं करना। और स्वीकार में ध्यान होगा, ध्यान करके ध्यान नहीं होगा। जब आप स्वीकार करेंगे चीज़ों को, सभी चीज़ों के साथ खुले हो जाएंगे जैसे परमात्मा होता है,
इस स्थिति में जब आएंगे तो जो आपको अनुभव होगा वो ध्यान का अनुभव होगा, ध्यान आप कर नहीं सकते। मित्रों, इस तरह के और प्राइवेट वीडियोज आप मेरे से पाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।